हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर की। अभी हम लोग जानते हैं कि मैनी डिजीज का जो बेसिक रीजन होता है वो होता है हार्ड वाटर। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं डेली लाइफ में, बाल झड़ते हैं लोगों के, स्किन डिजीज होती हैं, है ना, स्टोन्स होते हैं। इन सब के पीछे जो बेसिक फंडामेंटल रीजन होता है, बेसिक रीजन होता है, वो होता है हार्डनेस ऑफ वाटर का। तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। तो मेन प्रॉब्लम जो है ना डेली लाइफ में जो भी डिजीज होती है, तो मेन डिजीज का जो लॉजिक है वो है हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वाटर की हार्डनेस क्या होती है, और फिर हम लोग सेकंड स्टेप में देखेंगे कि हार्डनेस को रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग जब वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर देंगे तो वाटर हार्ड ना होकर सॉफ्ट हो जाएगा, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। तो फर्स्टली जो हम लोग वाटर है उसको दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सॉफ्ट वाटर एंड द सेकेंड वन इज हार्ड वाटर। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्ट वाटर की। तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है कि एक ऐसा वाटर जो साबुन के साथ इजली झाग देता है, तो साबुन के साथ इजली झाग दे दे उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट वाटर, और वो वाटर जो साबुन के साथ इजली झाग ना दे उसको हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। रीजन क्या होता है कि हार्ड वाटर में कुछ इंप्योरिटीज ऐड होती हैं जिसकी वजह से ये साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है, तो इसको हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। तो यहां से हमने देखा कि वाटर को टू टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विद सोप। नंबर वन सॉफ्ट वाटर एंड नंबर टू हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर आसानी से झाग देता है, सॉफ्ट वाटर आसानी से झाग देता है, जबकि हार्ड वाटर आसानी से झाग नहीं देता है, क्योंकि इसमें कई सारी इंप्योरिटीज मिली होती हैं, अभी हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक इसमें इंप्योरिटी ऐड होती है कैल्शियम सल्फेट की। तो जो कैल्शियम सल्फेट होता है वो सोप के साथ रिएक्शन करता है इस टाइप से। ये सोप का फॉर्मूला मैंने लिखा है, सोडियम स्टीयरेट सोप है, और इसकी आप रिएक्शन करा दें कैल्शियम सल्फेट से, तो क्या हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और बन जाएगा C17H35COOH का होल ट्वाइस Ca प्लस Na2SO4। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि बन गया कैल्शियम स्टीयरेट जो कि प्रेसिपिटेट हो जाता है और ये झाग नहीं देता है। कब तक झाग नहीं देगा, जब तक कि इसका प्रेसिपिटेशन चलता रहेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी हम लोग वाटर में सोप ऐड करते हैं तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और बहुत सा सोप वेस्ट हो जाता है और हमें साबुन के साथ झाग नहीं मिलता है। तो मतलब हम लोग कैसे झाग ला सकते हैं, हम क्या करेंगे, हमें इस इम्प्योरिटी को रिमूव करना है। अगर हम लोग इस वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर देंगे तो वाटर को हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे सॉफ्ट वाटर में। तो हम लोग कन्वर्ट तो तब कर पाएंगे जब हम लोग समझ पाएंगे कि हार्डनेस क्या है, है ना। जब हार्डनेस समझेंगे तब हम लोग उसको रिमूव करने का सोच भी सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो जो हार्डनेस होती है वो क्यों होती है, क्योंकि जो हम लोग को जमीन से पानी मिलता है ना, ग्राउंड वाटर जो होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट एक्सेट्रा डिसॉल्व रहते हैं। तो होता क्या है कि वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स एक्सेट्रा घुले रहते हैं, तो जिसकी वजह से वाटर में हार्डनेस आ जाती है। अभी क्या होता है कि अगर वाटर में हार्डनेस है ड्यू टू कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, तो अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले हुए हैं, मतलब क्या घुला हुआ है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुला हुआ है तो हम लोग बोलते हैं कि दिस हार्डनेस इज टेम्परेरी हार्डनेस। तो हार्डनेस दो टाइप की हुई, फर्स्ट वन इज
temporary hardness and the second one is permanent hardness. तो दो टाइप की हार्डनेस होती है, temporary and permanent. तो क्या देखा हम लोगों ने कि अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स घुले रहते हैं तो जो हार्डनेस होती है वो टेम्परेरी हार्डनेस होती है, और अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के ये क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट क्या घुले हो, कैल्शियम क्लोराइड घुला हो, कैल्शियम सल्फेट घुला हो, कैल्शियम नाइट्रेट घुला हो, या मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट आज जब घुले होते हैं तो जो हार्डनेस होती है उसको हम लोग परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं. तो इस हार्डनेस को आप क्या बोलोगे, परमानेंट हार्डनेस. तो परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट. तो अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले हों तो उस हार्डनेस को आप बोलते हो टेम्परेरी हार्डनेस, और अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट्स घुले हों तो हार्डनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं. तो आपको यह समझ में आया कि हार्डनेस किसकी वजह से होती है, हार्डनेस होती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और ये सब चीजें डिजॉल्व रहती हैं वाटर में, ये क्रिएट करती है हार्डनेस वाटर में. अब हमारा एम क्या है, इन हार्डनेस को रिमूव करना. तो चलिए अब हार्डनेस समझने के बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि इन हार्डनेस को रिमूव किया जाए. तो नाउ वी विल डिस्कस रिमूवल ऑफ हार्डनेस. नाउ रिमूवल ऑफ हार्डनेस, तो हार्डनेस को हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, कैसे वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस. तो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या क्या अपने पास टूल्स हैं, कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं. तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कि आप इसको बॉइल कर दीजिए, आप वाटर को बॉइल करें. तो जब आप वाटर को बॉइल करेंगे तो होता क्या है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो कि डिसॉल्व है ना वाटर में, तो टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से. अब जब आप वाटर को बॉइल करेंगे तो ये भी तो बॉइल होंगे, तो ये जब हीटअप होंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे CaCO3 प्लस H2O और प्लस CO2 में. तो यहां पर CaCO3 प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जिसको हम लोग फिल्टर पेपर से रिमूव कर लेंगे और हम लोगों को प्योर वाटर मिल जाएगा, सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा. तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीटअप करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाता है और उसको आप फिल्टर पेपर की हेल्प से रिमूव कर देंगे और वाटर आपका सॉफ्ट वाटर हो जाएगा. चलिए एक दूसरा ऑप्शन देखते हैं. अब इसमें क्या होता है कि स्लैग लाइम ले लीजिए आप, स्लैग लाइम मतलब बुझा हुआ चूना, चूना लाइए उसको पानी में डाल दीजिए तो उसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना, स्लैग लाइम. उससे आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए, वाटर में आप डाल दीजिए स्लैग लाइम, चूने का पानी बना लीजिए, ठीक है. तो उसमें डाल दीजिए CaOH का होल ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड स्लैग लाइम. अब जब आप इसमें डालेंगे तो क्या होगा, बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा एंड 2H2. समझ में आया आपको कि जैसे ही आप स्लैग लाइम इसमें डालेंगे आप कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, फिल्टर पेपर से आप रिमूव कर देंगे और ये वाटर आपका सॉफ्ट हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी घुला हुआ है उसमें, ये भी स्लैग लाइम से रिमूव हो जाता है, क्या बन जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा और प्लस 2H2. तो आप इनको फिल्टर पेपर से रिमूव कर देंगे और आपकी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी और आपका वाटर सॉफ्ट हो जाएगा. तो ये तो रहा ऑप्शन टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने का. तो अब देखते हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कैसे करते हैं. तो टेम्पररी आपको रिमूव करना आ गया, कैसे रिमूव करेंगे आप, या तो आप उसमें थोड़ा सा लाइम डाल दीजिए, स्लैग लाइम डाल दीजिए, या फिर उसको बॉइल कर देंगे तो उसकी टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी. नाउ टॉक अबाउट परमानेंट हार्डनेस.
अभी भैया परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे? देखो नाम ही बता रहा है ना, परमानेंट हार्डनेस, आसानी से जाने वाली नहीं है ये, है ना? तो इसको बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। तो अभी इसको रिमूव करने के लिए मेरे पास मेथड है। सबसे पहला मेथड है विद सोडा। आप सोडा की हेल्प से इसको रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं? जो हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट एक्सेट्रा, जो इम्प्योरिटीज होती हैं, ये क्रिएट करती हैं परमानेंट हार्डनेस। हमें इन्हें रिमूव करना है। तो फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम सल्फेट को रिमूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट अप कर देंगे Na2CO3 के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको आप गर्म कर दीजिए। तो गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आप जानते हो प्रेसिपिटेट हो जाता है, एंड प्लस Na2SO4। तो यहां पर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, इसका प्रेसिपिटेट हम लोगों को मिलेगा। हम लोग फिल्टर पेपर की हेल्प से इसको छान लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, और हम लोग को सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। और देखो हीट करोगे तो, हीट करोगे तो टेम्परेरी हार्डनेस तो रिमूव हो ही जाएगी, और साथ में क्या होगा, परमानेंट हार्डनेस भी रिमूव हो जाएगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस मेथड में टेम्परेरी हार्डनेस भी रिमूव होती है और परमानेंट हार्डनेस भी रिमूव होती है। सेकेंड मेथड होता है परम्यूटेट मेथड। परम्यूटेट मेथड, तो इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग इसको गर्म करते हैं Na2Al2Si2O8, जिसको हम लोग सोडियम परम्यूटेट या जियोलाइट भी बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ हीट करेंगे, रिएक्ट कराएंगे वाटर की, तो क्या होगा, देखिए शॉर्ट में इसको हम लोग क्या करेंगे, सपोज इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, इसकी जगह कुछ जेड लिख रहे हैं हम लोग, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, शॉर्ट में इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं Na2Z, और जहां पर जेड क्या है, जेड है Al2SI2O8.XH2। अब क्या करें, इम्प्यूरिटी के साथ ये रिएक्ट करेगा Na2Z और ये फॉर्म करेगा CaZ, ये कैल्शियम, इसका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा हम लोगों को, जिसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे, एंड प्लस Na2SO4। तो इस मेथड से, परम्यूटेड मेथड से हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर लेते हैं, और हीट करने से टेम्परेरी हार्डनेस भी रिमूव हो जाती है। तो बाय दिस मेथड वी कैन आल्सो रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस एज वेल एज परमानेंट हार्डनेस। तो भी ये मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट दोनों हार्डनेस को रिमूव करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट। तो सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट की हेल्प से हम लोग टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं। कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Na5P3O10। जब ये रिएक्ट करता है इम्प्योरिटी से, दैट इज कैल्शियम सल्फेट, तो फॉर्म होता है Na3CaP3O10 प्लस Na2SO4, और इसका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, जिसको आप फिल्टर पेपर की हेल्प से रिमूव कर देते हैं, और इस टाइप से आप टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर पाते हैं। और एक बार जब हार्डनेस को रिमूव कर देते हैं तो वाटर सॉफ्ट हो जाता है, और ये बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। बहुत सारी डिजीज इसकी हेल्प से हम लोग बच जाते हैं। हम लोग जानते हैं बहुत सारी डिजीज का रीजन क्या होता है, हार्डनेस होती है, स्टोन हार्डनेस से होता है, आपके बाल झड़ते हैं ड्यू टू हार्डनेस, एंड मैनी स्किन डिजीज का बेसिक रीजन होता है हार्डनेस। और आप इन मेथड से हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं और ये सारी डिसीज से बच सकते हैं।